चल आ जाओ यार, है ना। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में आवाज़ आ रहा था ना, हाँ, तो इसलिए ब्रेक दे दिया था। चलो यार, सो टैक्स इनवॉइस की हमारी बात चल रही थी। टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? सेलर। और उसके अंदर में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कितना माल है, क्या नाम है, क्या रेट है, क्या टर्म्स है, कितना CGST है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, GST स्टेट गवर्नमेंट लेती है। CGST है, GST अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट है, बरूबर है। सर GST क्या होता है? डोंट वरी, आगे GST बताने वाला हूँ। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो सर किसको मिलता है? ना बायर को ना सेलर को, सरकार को जाता है। ना बायर को ना सेलर को, किसको जाएगा? सरकार को। उसके बाद इट इज द परचेस इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस। हमने माल खरीदा, हमारे पास इनवॉइस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इनवर्ड इनवॉइस, या इसी को बोलेंगे परचेस इनवॉइस। परचेस इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस एक ही बात है, शाम तेरे कितने नाम। फॉर द बायर, बायर के पास इनवॉइस आ रहा है माल के साथ साथ, तो बायर बोलेगा आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ड। एंड सेल्स इनवॉइस को बोलेंगे आउटवर्ड इनवॉइस, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एंट्रीज इन द परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनवर्ड इनवॉइस और परचेस इनवॉइस। हमने माल खरीदा या हमने कुछ भी चीज़ खरीदी, तो परचेस बुक, प्लीज ध्यान देना, हमने माल खरीदा, गुड्स परचेस किया, माल खरीदा, तो परचेस बुक के अंदर में एंट्री होगी परचेस इनवॉइस के भरोसे। माल बेचा तो सेल्स बुक बनाएंगे, उसके अंदर में एंट्री होगी सेल्स इनवॉइस के भरोसे। हम बायर है तो हमारे लिए इनवर्ड इनवॉइस, हम सेलर है तो हमारे लिए आउटवर्ड इनवॉइस, हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? पक्का? चलो आगे, सिंपल है, फॉर्मेट याद रहेगा। सर फॉर्मेट याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, फॉर्मेट एक दो बार और देखना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, रुको, ये है ना, ये सारे वाउचर्स बताने से पहले, बहुत सारे वाउचर्स हैं, ये वाउचर्स बताने से पहले, ये वाउचर के भरोसे जो एंट्री होती है ना, वो सबसे पहले आपको बताता हूँ, रुको। GST पढ़ना है हमें इसी टॉपिक में। हाँ, वन बाय वन एक एक चीज हम लोग देखेंगे। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये ऐसे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना, आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक 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 वाउचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ। नहीं तो पता चला सिर्फ वाउचर हम लोग देख रहे हैं, बच्चा देख देख के बोर हो गया, बाप रे बाप सर वाउचर तो बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वाउचर्स भी बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, है ना। सारे वाउचर्स एक्सप्लेन करूंगा और रियल लाइफ में वाउचर्स कैसे रहते हैं वो भी बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक ओपन करो, नोटबुक के अंदर में लिखो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिख रहा है और पेज नंबर है 3.11, ठीक है, दिख रहा है बेटा सभी को क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करो, ध्यान दो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरिभाव फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। सो लिखो आंसर इन द बुक्स ऑफ, ऐसा लिखना आपने, देखो ऐसे। क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 2.11, फिर ऐसा लिखना इन द बुक्स ऑफ हरिभाऊ, फिर ऐसे लिखना जर्नल एंट्रीज, फिर लिखना ब्रैकेट में अप्रैल मंथ। लिख दिया बेटा सभी ने? आंसर का फॉर्मेट बता रहा हूं, लिखा बेटा? आ जाओ। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख, कौन बताएगा इसकी एंट्री? हाँ, एनीबडी? स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, सेकेंड नंबर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में हमने किया था। बोलो, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। बिजनेस में कैश आ गई, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस में कैश आ गया।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस में कैश आ गया, कैश बढ़ गया, कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। सो पहली एंट्री फॉर्मेट लिख देंगे, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो का भी कॉलम बना ही लेता हूँ यार, ठीक है। चलो आ जाओ, डेट ऐसा लिख दो, अप्रैल, अप्रैल के कौन से तारीख को स्टार्ट किया पता नहीं, तो सोचता हूँ पहली, ठीक है। स्टार्टेड अ बिजनेस, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम में प्रॉपर लिख देना बेटा अमाउंट, पर्टिकुलर कॉलम में नरेशन आना चाहिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये आपका डेट का कॉलम, ये आपका लेजर फोलियो का कॉलम, ये आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का, ठीक है। क्लियर, लिख लिया सभी ने, वेरी वेरी गुड, डन। चलो आगे, पहली वाली एंट्री समझ में, सब पेपर में ऐसी फॉर्मेट में लिखना है ऐसे। सर लेजर फोलियो के कॉलम में क्या लिखना है, कुछ नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि कैश अकाउंट ये कौन से पेज पे है, खाता बही में। कैश अकाउंट मान लो खाता बही में पेज नंबर 3 पे है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट खाता बही में पेज नंबर 1 पे है, तो 1 लिख देंगे, लेकिन हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, डन। इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम खाली भी रखा तो भी चलेगा। सर एंट्री लिखते समय बीइंग लिखना जरूरी है क्या, लिख लेना, जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रामर, ठीक है। आगे, सोल्ड वन ऑफ द पर्सनल रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर ₹15 लाख एंड ब्रॉट इन द बिजनेस ₹10 लाख ऑफ द प्रोसीड बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। बोलो बेटा, एक पर्सनल फ्लैट बेच दिया 15 लाख में और उस 15 लाख में से 10 लाख रुपए बिजनेस में लेके आ गए। पर्सनल फ्लैट बेच दिया 15 लाख का और उसमें से 10 लाख रुपए कहां लेके आया, बिजनेस में, और कैसे लेके आया, कैश नहीं लाया, 10 लाख पर्सनल उसने बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया। 15 लाख का पर्सनल फ्लैट था, चूल्हे में जान दो अपने को क्या लेन देन बिजनेस में नहीं आएगा। वो 15 लाख का फ्लैट बेच दिया, चूल्हे में जान दो अपने को फ्लैट सेल का एंट्री बिजनेस में नहीं आएगा। वो 15 लाख में से 10 लाख रुपए बिजनेस में ला रहा है, हाँ ये 10 लाख की एंट्री बिजनेस में आएगी, फ्लैट 1500 करोड़ का रहो क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। तो आ जाओ, सो पर्सनल फ्लैट था, बिजनेस में नहीं आएगा, फ्लैट बेच दिया 15 लाख में, बिजनेस में नहीं आएगा, लेकिन इस 15 में से 10 लाख बिजनेस में आ रहे हैं और वो भी बिजनेस में बैंक अकाउंट ओपन करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओनर ने लाया इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा, ओनर लाया ना बिजनेस में पर्सनल, बरोबर, क्लियर, डन, वेरी वेरी गुड। सो दूसरी एंट्री कौन सी तारीख की हमें पता नहीं है, तो 1 तारीख 2 तारीख जो लिखना लिख लो। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू
कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दो, बीन प्रोसीड ऑफ फ्लैट सेल ब्रॉट इन, लेके आया, ब्रॉट इन BROUGHT द बिजनेस, लेकिन सारा नहीं लाया, कितना लाया 10 लाख। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, कुछ था इसमें, सिंपल है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, एनी स्टूडेंट्स एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, सिंपल। चलो आगे, देन आगे लिखा है, हरिभाऊ हैज वन शॉप इन ABC मॉल विच इज गोइंग टू यूज फॉर हिज बिजनेस 16 लाख। अच्छा, उसके पास एक खुद की दुकान थी, वो दुकान बेचा नहीं उसने, वो दुकान अब वो बिजनेस के लिए लेके आ रहा है, बिजनेस में शॉप नाम की असेट आ गई है ना, शॉप बिजनेस में आ गई, शॉप नाम की असेट, शॉप अकाउंट डेबिट, किसने लाया, ओनर ने, ओनर का पर्सनल था, सो टू कैपिटल अकाउंट 16 लाख। नरेशन लिख दो, बीइंग पर्सनल शॉप ब्रॉट इन द बिजनेस। कुछ बात समझ आई क्या? दर्शन बोल रहा है नो एंट्री, ऐसे कैसे नो एंट्री, पर्सनल शॉप थी, अब वो बिजनेस में लेकर के आ रहा है, बिजनेस के लिए यूज करेगा, तो बिजनेस में शॉप नाम की असेट बढ़ गई ना, समझे कि नहीं समझे? बिजनेस में पर्सनल कार बिजनेस में लाए तो कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में लाए तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पर्सनल शॉप लाए तो ऑफिस शॉप और शोरूम शॉप और शॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, समझे? पक्का डन, यस और नो, क्लियर है बात सभी को, यस और नो? अब इसके आगे का ये वाला क्वेश्चन अभी होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि फिर से अभी आवाज़ थोड़ी बहुत यहाँ पे आएगी, एक 10-15 मिनट में उनका काम खत्म करवाता हूँ, है ना, 15-20 मिनट में, उसके बाद फिर 12th का रहेगा लेक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सभी के पास क्वेश्चन है ना, तो ये आपने अभी ट्राई करना है, डन? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।